ठीक है, तो this is the second part of the clause. Okay? तो पहले पार्ट में हमने clause को किया था finite को को किया किया था, phrase को किया था और सेंटेंस की थ्री कैटेगरी को डिफाइन किया था अब हम बात करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लास में और पहला हमने यूज किया है नाउन क्लॉज तो नाउन क्लॉज को हम समझते हैं ठीक है तो लुक एट द एग्जाम्पल सबसे पहले हम एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नाउन क्लॉज क्या है ताकि हमें कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो ठीक है तो हम देखते हैं नाउन क्लॉज क्या है तो नाउन मीन्स पता ही आपको नाउन क्या करता है नाउन एक सब्जेक्ट एक की तरह यूज़ होता है तो ऐसे क्लॉज जो नाउन में सब जो नाउन की तरह यूज़ होते हैं वो आपके नाउन क्लॉज होते हैं जस्ट लाइक एग्जाम्पल आई एक्सपेक्ट टू गेट अ स्कॉलरशिप आई एक्सपेक्ट टू गेट अ scholarship. मैं आशा करता हूँ पाने की क्या स्कॉलरशिप ठीक है नेक्स्ट में है आई एक्सपेक्ट दैट आई shall गेट अ स्कॉलरशिप मैं आशा करता हूँ कि मैं एक स्कॉलरशिप पाऊँगा ठीक है तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेज होता है उसमें कोई भी फाइनाइट वो नहीं होती है ना ही सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है सिर्फ कलेक्शन ऑफ दी वर्ड होता है ठीक है और ये क्या है आई एक्सपेक्ट टू अ स्कॉलरशिप टू गेटा स्कॉलरशिप तो टू गेट आई स्कॉलरशिप में कोई फाइनाइट नहीं है टू गेट क्या है नॉन फाइनाइट वह हुआ तो ये जो फर्स्ट पार्ट आपका है ये क्या है ये आपका फ्रेज है क्या है फ्रेज है क्यों फ्रेज है क्योंकि यहां टू गेटा स्कॉलरशिप है तो ये सिर्फ इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है और ना ही आपका कोई फाइनाइट वर्ब है यूज हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह इसलिए ये आपका जो सेंटेंस है वो फ्रेज है और जो पहला सेंटेंस है वो आपका सिंपल सेंटेंस कहलाएगा क्लियर अब नेक्स्ट इसी सेंटेंस को हमने क्लॉज में कन्वर्ट करके देखा है आई एक्सपेक्ट दैट आई सेल गेट अ स्कॉलरशिप मैं आशा करता हूं कि मैं स्कॉलरशिप को पाऊंगा तो यहाँ पे दैट के बाद क्या है आई है सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है और इसका एक फाइनाइट वर्ब भी है गेट है इसका मतलब क्या है सेम सेंटेंस को हमने क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया है टू यूज द प्रेडिकेट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड आल्सो फाइनाइट वर्ब तो दिस इज द क्लॉज लेकिन हम यहाँ बात किसकी करते हैं यहाँ हम बात सिर्फ करते हैं नाउन क्लॉज की कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि नाउन क्लॉज क्या है तो नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जानना होगा कि एक क्वेश्चन पुटअप करना होगा व्हाट वॉट वाई एंड हाउ इन तीन क्वेश्चन को पुटअप करके हम नाउन क्लॉज को जान सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हेयर वी शुड यूज टू फाइंड आउट द नाउन क्लॉज ओनली वॉट अगर हम व्हाट को यूज़ करके नाउन क्लॉज को फाइंड आउट करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट द नाउन क्लॉज ओके दैट यू विल अचीव सक्सेस इज सर्टेन तो दैट यू विल अचीव सक्सेस इज सर्टेन तो अगर हम इसी के पार्ट को चेंज कर दें मैंने कहा इट इज सर्टेन इट ये निश्चित है इट इज सर्टेन तो आपका मैंने कहा ये निश्चित है तो आपका आंसर क्वेश्चन आएगा कि वॉट वॉट निश्चित वॉट सर्टेन तो आंसर आया दैट यू विल अचीव सक्सेस कि तुम सक्सेस हो जाओगे ठीक है तो ये क्या है नाउन क्लॉज है ये नाउन के बारे में बता रहा है तो क्या है नाउन क्लॉज है ठीक है आई होप दैट आई होप मैं आशा करता हूँ अब मान लीजिए द नेक्स्ट पार्ट क्या है ये आपका जो है नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे रिमूव कर दे रहे हैं ठीक है बाई द वे हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया आपके सामने सिर्फ एक क्लॉज बचा आई होप मैं आशा करता हूँ मैं आशा करती हूं तो क्वेश्चन आया वॉट क्या आशा करती है तो आंसर आया क्या दैट आई सेल गेट फर्स्ट डिविजन की मैं फर्स्ट डिविजन प्राप्त करूंगी ठीक है तो ये आशा है ये होप है उसकी तो वॉट लगा के आपने देखा कि हमने क्या किया नाउन क्रॉस को फाइंड आउट कर लिया ठीक है अब हम और एग्जाम्पल पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन वही जो मैंने बताया है कि नाउन क्लॉज वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में हमें सो ऑफ होते सेंटेंस में और ये नाउन का वर्क करते हैं ठीक है तो ये आपके क्या है नाउन क्लॉज है अब हम और एग्जाम्पल देख के समझते हैं नाउन क्लास को तो मैं लिख रही हूं एग्जाम्पल एक और ताकि हमें और अच्छे समझ में आ सके जैसे लिखा आई डोंट आई आई डोंट नो आई डोंट नो फिर आगे लिखा है कि वॉट ही वॉन्ट्स वॉट ही वॉन्ट्स आई डोंट नो वॉट ही वॉन्ट्स तो देखा ये आपका लिखा आई डोंट नो मैं नहीं जानता तो क्वेश्चन क्या होगा वॉट क्या नहीं जानते आप वॉट ही वॉन्ट्स कि वो क्या चाहता है तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है ये आपका है नाउन क्लॉज अच्छा दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं नाउन क्लास को बेटा नाउन क्लास में एक चीज और है जैसे आई डोंट नो तो नाउन क्लॉज में एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे कोई ऐसा वर्ब है जो आने वाले आने वाले क्लॉज uh, पे डिपेंड होता है ठीक है यानी कि ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या ये जो आपका पार्ट है ये प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज कुछ कहेगा तभी आगे का वाक्य कंप्लीट होगा ठीक है इसलिए इसको सब क्लॉज कहते हैं ठीक है तो ये नाउन के बारे में डिफाइन आई डोंट नो मैं नहीं जानता क्या नहीं जानते कि वो क्या जानता वो क्या चाहता है तो ये नाउन क्लॉज क्योंकि नाउन की तरह एक्ट कर रहा है ये नाउन की तरह रोल प्ले कर रहा है इसलिए क्या है नाउन क्लॉज है लुक एट द अनदर एग्जांपल जैसे सी रिप्लाइड सी सी रिप्लाइड सी रिप्लाइड, रिप्लाइड. रिप्लाइड. दैट हमने कहा वो उसने आंसर दिया उसने आंसर दिया था अब आपका क्वेश्चन है क्या आंसर दिया था तो दैट सी वुड सी Would come. C would come. This is the answer. तो आपने देखा सी रिप्लाइड यहाँ पे भी देखिए वर्ब है और यहाँ पे भी क्या है यहाँ पे भी वर्ब है. है इसके बाद आपने कंजक्शन यूज किया तो मोस्टली क्या होता है जब एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पे यूज होती है और इसके बाद जस्ट कंजक्शन यूज होता है अगर यहाँ पे कभी कोई ऑब्जेक्ट आ भी जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि रिप्लाइड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो यही होगा मीन्स जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके इस वर्ब को, को ही डिपेंड करता है यानी कि इस प्रिंसिपल क्लॉज पे ही डिपेंड होता है ठीक है तो इस तरीके से भी हम नाउन क्लास को जान लेते हैं बाई स्ट्रक्चर हम समझते हैं कि इसके पहले कंजक्शन के पहले हमारा क्या आता है मोस्टली हमारा आता है एक फाइनाइट वर्ब ठीक है तो हम समझ लेंगे कि नाउन क्लॉज चलिए दूसरा एग्जाम्पल और हम लेते हैं ताकि एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ में बहुत अच्छे से आएगा नेक्स्ट देखते हैं कि ही वेंट टू सी वो वहां गई ही ट सॉरी वह वहाँ गया ही वेंट टू सी सी अब हम हमने कहा वो वहां गया तो हमने कहा क्यों गया मैंने बताया था ना कि वॉट वाई और हाउ क्वेश्चन पुटअप करके हम उस चीज को फाइंड आउट करते हैं तो ही वेंट टू सी वॉट हैड हैपेन्ड ही वॉट हैड हैपेंड आप ऐसे भी कह सकते कि वो यहाँ वहां देखने क्या गया है कि वहाँ क्या घटित हुआ है ठीक है वो वहां पे देखने क्या गया है कि वहां पे क्या घटित हुआ है अब देखिए इस चीज को आ, वॉट यहां पे यूज हुआ है तो हम एक चीज और है जब हम डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जब डायरेक्ट नरेशन में हम इंट्रोगेटिव यूज करते हैं तो सिंपल सी बात है कि हम जो कंजक्शन यूज करते हैं वो उसी इंट्रोगेटिव वर्ड को उठा के कंजक्शन कर लेते हैं तो सेम यही स्ट्रक्चर यहां पे भी फॉलो किया गया है ठीक है एक और एग्जाम्पल लेते हैं सी सेज दैट सी दैट That सी uh, will not go. सी will not go. अब आई थिंक समझ में आ गया होगा कि नाउन क्लॉज क्या है तो वह जानती है क्वेश्चन क्या जानती है कि सी विल नॉट गो ठीक है तो आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने यहाँ पे फोर एक और एग्जाम्पल लिख के हम छोड़ते हैं इसको नाउन क्लॉज को और समझ में आ गया होगा कि नाउन क्लॉज में पहले क्या है फाइनाइट वर्ब होती है इसके जस्ट बाद कंजक्शन यूज हो जाता है जैसे आ, कौन सा एग्जाम्पल लो जैसे द रिपोर्ट द रिपोर्ट द रिपोर्ट दैट दैट टेन पर्सनस टेन पर्सन ओनली वर ओनली वर किल्ड ओनली वर किल्डरडेस्टरडे इज अंट्रू इज अंट्रू तो देखिये ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है इसको बाद में इन्होंने यूज किया इट इज अंट्रू अगर हम इसको इट से बनाए तो इसको पार्ट में हम चेंजेस कर देते हैं इट इज अंट्रू रिपोर्ट ऑफ टेन ओनली वर किर्ड यस्टरडे तो यह क्या है, है. नाउन क्लॉज है तो आपका क्वेश्चन है क्या असत्य है तो क्वेश्चन आंसर आया द रिपोर्ट दैट टेन पर्सन ओनली वर किर्ड यस्टरडे ये असत्य है ठीक है तो ये आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो किस पे वेस्ट है पूरी तरीके से नेक्स्ट क्लॉज पे वेस्ट है, है जो एंट्रय है एंट्रिय बता रहा है कि समथिंग कुछ डिफाइन हुआ है यहाँ पे और डिफाइन किया उस नाउन के बारे में डिफाइन किया गया तो दिस इज द नाउन क्लॉज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो